हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बिगर लिस्टेड। माय नेम इज़ अजय नारंग। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे एमआर के न्यू प्रोजेक्ट की, एमआर डीजी होम 2.0 की। तो एमआर डीजी होम फर्स्ट जो है आपका सेक्टर 62 में है और उसके बिल्कुल सामने ही हमारे नए प्रोजेक्ट की लोकेशन आ जाती है। और अगर मैं एमआर डीजी होम की बात करूं तो ऑलरेडी वहां पे जो आज की डेट में रीसेल प्राइस की बात करूं तो 21,000 से 22,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहां पे रीसेल में ट्रेडिंग होती है और सेम लोकेशन में हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। बिल्डर की अगर बात करें एमआर की, तो एमआर आपका इंटरनेशनल ब्रांड है, मेकर ऑफ बुर्ज खलीफा है, 50+ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के अंदर इसकी प्रेजेंस है। इंडिया की भी बात करूँ, मेजर जो इनकी प्रेजेंस है गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव में अगर मैं रेजिडेंशियल, रिटेल, कमर्शियल, एसईओ प्रोजेक्ट में इनकी प्रेजेंस है। रेजिडेंशियल कुछ प्रोजेक्ट की बात करूँ तो एमआर मार्बिला, एमआर पाम मिल, पाम गार्डन, इम्पीरियल गार्डन, मल्टीपल इनके प्रोजेक्ट है जिसमें रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ जाते हैं। डीजी होम भी आगे मैं आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखाऊंगा, इसकी काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी निकल के आ रही है। और इसके अलावा रिटेल में भी इनकी प्रेजेंस है। एससीओज की भी बात करूं तो ईबीडी का जो एससीओज है, एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं 65, सबसे कॉस्टली आपके एससीओज आ जाते हैं एक्सटेंशन रोड पे। इसके अलावा 75A, ईबीडी 75A, ईबीडी 89, ईबीडी 99, ईबीडी 114, मल्टीपल इनके एससीओ प्रोजेक्ट भी हैं। सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है एमआर को अगर मैं इंडिया की भी बात करूं। और आज हम बात करेंगे एमआर डीजी होम 2.0 की। सो पहले आपको मैं क्या करता हूँ, इसकी लोकेशन साइट व्यू दिखाता हूँ और फिर हम प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। ये आपकी सामने 60 मीटर ऑपरेशनल रोड है, आप खुद देख सकते हो। इधर आप चले जाते हो सोना एलिवेटेड रोड, NH8 भी जा सकते हो, द्वारका एक्सप्रेस वे भी जा सकते हो वाय क्लोवर लीफ चौक से, आपको राइट जाना पड़ेगा क्लोवर लीफ जाने के लिए। और इधर ही आपका AIPL बिजनेस क्लब आ जाता है, जहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस और आगे आपको रिटेल स्पेस भी मिल जाता है। ऑपरेशनल चीज़ें यहाँ पे, यहाँ से आप, ये आपका बानी स्क्वायर सेंटर है। सीधा आप चले जाते हो तो मेन एक्सटेंशन रोड से गोल्फ कोर्स रोड जा सकते हो, घाटा फरीदाबाद जा सकते हो। और यहीं से आपकी मेन रोड से अप्रोच है, 10 से 15 सेकेंड में सामने जो आप टावर देख रहे हो उसके सामने ही बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है। आगे मैं इसकी आपको साइड भी दिखाऊंगा। और इधर आपका जो प्रोडक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रम्प टावर एक्सटेंशन का, एक तरह से कॉस्टली प्रोजेक्ट और काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। और चलिए अब मैं आगे आपको साइट व्यू करवाता हूँ। देखिए, हमने वहाँ सामने बानी स्क्वायर सेंटर के सामने खड़े होकर मैंने आपको मेन रोड की अप्रोच दिखाई थी। इधर ही आपका AIPL बिजनेस सेंटर है, आगे गुड अर्थ का ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, ये इधर इम्पीरिया माइंड स्पेस, आगे रिटेल और वो है। ये सामने जो टावर हैं ये डीजी होम फर्स्ट है, कितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी निकली हुई है आप खुद देख सकते हो। और इसके सामने जो बैरिकेडिंग की हुई है ब्लैक कलर की, यहीं पे डीजी होम 2 आपका आ रहा है, ये आपकी साइट रहेगी। और मेन रोड से आप देखो क्या अप्रोच है, ये सामने रोड का काम हो रहा है, उधर से भी आप एक्सटेंशन रोड जा सकते हो। तो डीजी होम के बिल्कुल सामने ही आपका डीजी होम 2 आ रहा है और लेफ्ट साइड ये गुड अर्थ का ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। सामने इम्पीरिया माइंड स्पेस है, ये सामने आप देख पा रहे हो ऑपरेशनल चीज़ें यहाँ पे। और इधर AIPL बिजनेस क्लब है, तो बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ ही आ रहा है। तो आपने देखा होगा 60 मीटर रोड से हमारी अप्रोच आ जाती है और एमआर डीजी होम के सामने है। बाकी अगर आपको गोल्फ कोर्स रोड जाना हो या मेन एक्सटेंशन रोड जाना हो, सोना एलिवेटेड रोड जाना हो, द्वारका एक्सप्रेस वे बाय क्लोवर लीफ जाना हो, NH8 जाना हो, तो अच्छी कनेक्टिविटी है क्योंकि एक्सटेंशन रोड की लोकेशन है, तो आप कहीं भी आप इजिली जा सकते हो। बाकी आसपास आपको इंटरनेशनल लेवल के आपको स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल, तो मल्टीपल कमर्शियल आपको आसपास मिल जाते हैं। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है, रेरा एक्सपेक्टेड इस मंथ एंड और अक्टूबर मंथ में आपका एक्सपेक्टेड है। बाकी 6.5 एकड़ की साइट है, 4 टावर है, 520 यूनिट है, G+35 स्टोरी हाइट रहेगी और MyOne कंस्ट्रक्शन के साथ ही आ रहे हैं। और इसमें आपके दो ही साइज़ रहेंगे, 3BHK आपका 2200 से 2400 स्क्वायर फीट और 4BHK 2800 से 3200 स्क्वायर फीट साइज़ रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्री लॉन्च के अंदर प्रोजेक्ट है। जितनी भी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ टेंटेटिव डिटेल है, रेरा आने के बाद थोड़ी बहुत डिटेल आपकी चेंज हो सकती है। और बाकी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ, वाइज शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो। और इसके अंदर अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो अगर मैं आपको अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ तो डीजी होम से भी ज़्यादा आपको इसके अंदर एमिनिटीज़ मिलेंगी। प्लस 65,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस यहाँ पे मिलेगा, फुली लोडेड आपको अपार्टमेंट मिलेगा जिसमें मॉडुलर किचन, VRV, ACs और भी चीज़ें जब रेरा नज़दीक आता है बिल्डर डिक्लेयर करता है तो वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। बाकी इसका जो है EOI का प्रोसेस होना है, EOI के प्रोसेस के लिए बात कर सकते हो।
और मेरे हिसाब से जिन्होंने DLF आर्बोर जो कि इस प्रोजेक्ट से हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, पूरी अरालियाज वो भी लेस देन 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, और अगर मैं बात करूँ जिन्होंने मिस किया था DG होम फर्स्ट या जिन्होंने ट्रम्प टावर भी मिस किया था, आई थिंक उनके लिए प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन काफ़ी प्राइम है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो आप ये देख सकते हो। बाकी एक्सटेंशन पे आज के टाइम पे अच्छे बिल्डर के अच्छे साइज़ की डिमांड है, बड़े साइज़ की तो मैं नहीं कह सकता बट अच्छे साइज़ की आज की डेट में डिमांड है। बाकी इसमें अभी जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी वो आपकी 4.40 से 4.50 के आसपास इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट होगी इसके अंदर। बाकी जैसे मैंने बोला प्री लॉन्च के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर फ्लैश कर आप मेरे से मेरी टीम से बात कर सकते हो। ये था आज का हमारा वीडियो, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।